दोस्तों, ये गाड़ी है मारुति सुजुकी की माइक्रो एसयूवी, जो कि अभी 30 सितंबर को लॉन्च होने जा रही है। ये माइक्रो एसयूवी जिसका नाम है एस्प्रेसो, या हम यूँ कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन आल्टो K10। अब हम दोस्तों देखते हैं कि ये गाड़ी अपनी करंट सिबलिंग K10 से, जो आल्टो K10 है, उससे कितनी अलग होने जा रही है। अगर हम लोग इसकी डायमेंशंस की बात करें तो ये गाड़ी अपनी करंट जनरेशन आल्टो K10 से लंबाई में 120 mm लंबी होगी और चौड़ाई में 30 mm तक चौड़ी होगी। उसके अलावा अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट में इसके दो तरह के टायर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक 13 इंच के होंगे और एक 14 इंच के होंगे। अगर हम 13 इंच वाले टायर की बात करें तो उसमें ये 74 mm जो ऊंची होगी अपनी करंट जनरेशन K10 से, और 14 इंच के टायर्स के साथ ये 89 mm ऊंची देखने को आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर हम इसके व्हील बेस की बात करें तो इसका व्हील बेस 20 mm अब ज़्यादा बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर का जो लेग रूम है इसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। इस गाड़ी के अगर हम मैं आपको बेस मॉडल स्टैंडर्ड, उसके बाद LXi ऑप्शनल, VXi ऑप्शनल और VXi प्लस जैसे वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। ऑटो गियर शिफ्ट के अंदर इसमें आपको VXi ऑप्शनल AGS और VXi प्लस AGS वेरिएंट्स दो ऑटो गियर शिफ्ट के अंदर आपको मिलेंगे। अगर हम इस गाड़ी में आने वाले इंजन की बात करें तो इसमें वही पुराना जो अल्टो K10 में जो 1000 cc का इनका पेट्रोल इंजन आता है, जो 998 cc एक्चुअल ये इंजन है, वही सेम इंजन इस गाड़ी के अंदर मिलेगा। फ़र्क ये आएगा कि अब जैसे VS6 कंप्लायंट इंजन आ रहे हैं तो ये इंजन आपको VS4 और BS6 दोनों ही ऑप्शंस में मिलेगा। दोस्तों, मार्केट में ये गाड़ी रेनो की क्विड, डैटसन की रेडिगो और टाटा की टियागो, क्योंकि टियागो के जो लोअर वेरिएंट्स हैं वो इस प्राइस सेगमेंट में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये गाड़ी इन गाड़ियों को कंपटीशन देने जा रही है, देने के लिए तैयार है बिल्कुल। 30 सितंबर को ये लॉन्च हो रही है। इसकी लॉन्चिंग के बाद हम इस गाड़ी के ऊपर एक कंप्लीट रिव्यू बनाएंगे और बाकी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन भी। अगर आप इस गाड़ी का देखना चाहते हैं तो जुड़े रहें आपके अपने चैनल से, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर साझा करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।